इटावा पुलिस द्वारा वर्ष 2019 में जेल परिसर इटावा में डिप्टी जेलर पर फायरिंग करने वाले अभियुक्त को अवैध असलाह सहित गिरफ्तार किया गया। जनपद में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा जयप्रकाश सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी भर्तना इटावा के नेतृत्व में थाना उसराहाट पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए वर्ष 2019 में जेल परिसर इटावा में डिप्टी जेलर पर फायरिंग करने वाले अभियुक्त को अवैध असलाह सहित गिरफ्तार किया है। जनपद में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग अभियान के क्रम में थाना उसराहाट पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत समथर चैपला सड़क पर गांव नगला परछाया बम्बा पुलिस पर संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि चैपला की तरफ से चोरी की काली पल्सर पर दो व्यक्ति आ रहे हैं जिनके पास अवैध असलाह भी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा सघनता से चेकिंग की जाने लगी, तभी कुछ देर बाद एक काली पल्सर पर सवार दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा बाइक को पीछे की ओर मोड़कर भागने का प्रयास किया गया। इसी दौरान उनकी बाइक फिसल गई जिससे उक्त दोनों मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति गिर गए, जिनमें से एक व्यक्ति रात्रि के अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा एवं दूसरे व्यक्ति को पुलिस टीम द्वारा मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया।